डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10 टू 12 क्वेश्चंस जेई मेंस के सॉल्व करेंगे, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का। ऐसे क्वेश्चंस इस चैनल में रेगुलरली अपडेट होंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, जो आपके जेई मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। ये जो क्वेश्चंस आ रहा है स्क्रीन में, इसको आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना वीडियो में इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, एंजॉय द वीडियो। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए पार्टिकल is moving with a speed v is equal to b root x along the positive x axis. Calculate the speed of the particle at time t is equal to tau. Assume that the particle is at origin at t is equal to 0. Origin में था शुरुआत में। So इसको solve कैसे करते हैं, देखिए हमको velocity का equation दिया है और speed पूछा है। So let's start। हमको दिया है v is equal to b into root x। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू बी रूट एक्स। एक्स को इस तरह ले लेते हैं, डी टी को इस तरह ले लेते हैं। सो दिस बिकम्स डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू बी इंटू डी टी। नाउ इसको एक बार और एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, सो दैट वी कैन इंटीग्रेट। रूट एक्स है, इसका मतलब दैट इज एक्स टू द पावर ऑफ माइनस वन बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू डी टी। Now if we integrate, this will become x to the power of minus 1 by 2 plus 1 by minus 1 by 2 plus 1, that is equal to b into t. Now if we solve this, this will become minus half plus 1, that is half. Iska matlab upar ho gaya square root, and niche bhi ek half hai, wo upar chala jayega. So that is half of bt, half of bt. Now ye root x hai, so isko agar displacement karna hai, to squaring both sides. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर। सो दिस बिकम्स द डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर। नाउ हमको पूछा है स्पीड, स्पीड का मतलब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो इफ यू डिफ्रेंशिएट दिस डी एक्स बाई डी टी, यहाँ देखिए बी स्क्वायर बाई फोर वो कॉन्स्टेंट है, सो विल टेक दिस आउट बी स्क्वायर बाई फोर। नाउ ये जो बचा है टी स्क्वायर, दैट विल गेट डिफ्रेंशिएटेड एज टू इंटू टी, ये कट जाएगा 2। सो dx by dt होता है हमारा वेलोसिटी, सो दिस बिकम्स b स्क्वायर t by 2। अभी हमको पूछा है एट द टाइम t इज इक्वल टू टाउ, अभी हम t के जगह में टाउ पुट कर देंगे। सो द स्पीड इज b स्क्वायर टाउ by 2। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन सेज, ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस at 40 km per hour and other half at 60 km per hour, then the average speed of the car is how much? देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन बोला है दो पॉइंट है, पहला हाफ ऑफ द डिस्टेंस को वो 40 किलोमीटर आवर पे कवर कर रहा है, दूसरा हाफ के डिस्टेंस को वो 60 किलोमीटर आवर पे कवर कर रहा है। ना ये मान लेते हैं दोनों इक्वल डिस्टेंस है, क्योंकि हाफ बोला है तो इसको भी डी मान लेते हैं। सो हमको पूछा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। नाउ टोटल डिस्टेंस कितना है, ये डी ये डी, सो टोटल डिस्टेंस इज 2d। तो टोटल टाइम कितना है, इसका टाइम जो है डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज डी बाय 40, इसका टाइम है हमारा डी बाय 60। नाउ इफ यू सॉल्व दिस 2d, नीचे से डी कॉमन ले लेंगे, सो दिस इज 1/40 प्लस 1/60। ये डी और ये डी कैंसिल, सो हमको आ रहा है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ 40 एंड 60 इज 120। सो दिस बिकम्स 3 प्लस 2, 120 ऊपर, 2 इंटू 120, 3 प्लस 2 दैट इज 5, 5 से विल स्ट्राइक आउट, 5 टू 24, 24 इंटू 2 48। सो द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन सेज, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वी इज इक्वल टू वी जीरो प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इफ इट्स पोजिशन इज एक्स इज इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, मतलब टाइम इज इक्वल टू वन पुट करेंगे, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम इज डैश। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इक्वेशन, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन इज वी इज इक्वल टू वी जीरो प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। ना वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी एक्स बाई डी टी,
दैट इज वी जीरो प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर. सो नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी जीरो, डी टी मल्टीप्लाई हो जाएगा सब्स के साथ, डी टी जी टी इंटू डी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी. नाउ इफ यू इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स. सो वी जीरो इंटू डी टी दैट बिकम्स वी जीरो इंटू टी, दिस बिकम्स जी इंटू टी स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो एफ इंटू टी क्यूब बाई थ्री. नाउ हमको पूछा है फाइंड द पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, इसका मतलब विल पुट टी इज इक्वल टू वन. जब टी को वन पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वी जीरो प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री. सो दिस इज द फाइनल आंसर. थैंक यू सो मच. नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन सेज ए पार्टिकल इज लोकेटेड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, स्टार्ट्स मूविंग अलोंग अलोंग विद द पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन विथ ए वेलोसिटी वी दैट वेरीज एज वी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स. ठीक है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ये वी वेलोसिटी है, ये अल्फा इज ए कॉन्स्टेंट. देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एस, ये वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है. एंड क्वेश्चन पूछा है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन. तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन वो पहला क्वेश्चन जैसा ही है. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेशन v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स. नाउ v के जगह में हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt दैट इज अल्फा रूट एक्स, और वी कैन से dx बाय रूट एक्स इज अल्फा इंटू dt. नाउ रूट एक्स से नीचे है ऊपर जाएगा दैट बिकम्स x टू द पावर ऑफ माइनस वन बाय टू dx इज इक्वल टू अल्फा dt. नाउ यू इंटीग्रेट बोथ साइड्स सो दिस विल बिकम x टू द पावर ऑफ माइनस हाफ प्लस वन, सो दैट बिकम्स x टू द पावर ऑफ माइनस हाफ प्लस वन बाय माइनस हाफ प्लस वन दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी. सो माइनस हाफ प्लस वन इज हाफ, इसका मतलब ऊपर हो गया हमारा रूट एक्स, नीचे भी एक हाफ है ऊपर जाएगा, सो दैट इज अल्फा टी बाई टू. नाउ ये रूट एक्स है, डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर. फ्रॉम हियर आई कैन से एक्स या डिस्प्लेसमेंट is proportional to t square. This is the relation between displacement and time. Thank you so much. Now let's go to the fifth question. Now let's learn the fifth question. The distance x covered by a particle in one dimensional motion varies with time as x square is equal to a t square plus 2 b t plus c. If the acceleration of the particle depends on x as x to the power of minus n, वेर एन इज एन इंटीजर देन एज एन इज इक्वल टू हाउ मच. तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से एक्सीलरेशन निकालेंगे एंड देखेंगे कि एक्स का पावर कितना है. सो वही एन हमको निकालना है. सो इस इक्वेशन को हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा. लेट्स सी दिस, डिफिकल्ट लग रहा है नहीं, यू लर्न इट इजीली, देख लो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ये इक्वेशन है, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, फिर x डिफ्रेंशिएट होगा दैट इज डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू this will become 2a into t plus 2b. सबका 2 cancel, common लेके cancel. So हमको क्या मिल रहा है equation, x into dx by dt is equal to at plus b. Now ये इसको आगे continue करेंगे. Now हमको क्या पता है dx by dt जो है वो velocity है. So from here I can say dx by dt is equal to at plus b whole divided by x. सो ये जो चीज़ है ये वेलोसिटी है, इसको अलग करके रख रहा हूँ क्योंकि इसको आगे हम यूज़ करेंगे. ठीक है, डी एक्स बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी है. नाउ विल वंस अगेन कंटिन्यू द सेम इक्वेशन. अभी इस इक्वेशन को वेलोसिटी मिल रहा है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस इक्वेशन को फर्दर डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये यू इंटू वी फॉर्म में है. सो यू इंटू वी फॉर्म में है, सो पहले एक्स डिफ्रेंशिएट होगा दैट इज डी एक्स बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस अभी x ऐसे ही रहेगा, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा. सो दिस बिकम्स डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन है, हमको इसी को निकालना है. दैट बिकम्स यहाँ पे ये हो जाएगा a, b कॉन्स्टेंट है, जीरो हो गया. सो इसको अगर दोबारा हम जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमको एक्सेलरेशन मिल रहा है, हमको यही निकालना है कितना है. ठीक है, ना डी एक्स बाई डी टी जो है वो ए टी प्लस बी है. सो इसको अगर अच्छे से लिखेंगे सो दिस इज डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस एक्स
इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए. नाउ डी एक्स बाई डी टी की जगह में हम ए टी प्लस बी बाई एक्स पुट कर देंगे. सो दिस बिकम्स एक्स इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ये वाला पार्ट यहाँ आ गया है. सो दैट बिकम्स ए टी प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर डी टी का होल स्क्वायर है. सो नाउ इफ यू सॉल्व दिस आई एम गेटिंग डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स. अभी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स का पावर हमको निकालना है. इट टेक सम टाइम, बी पेशेंट. डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर एलसीएम लेंगे दिस विल बिकम ए एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट बिकम्स ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए टी बी होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा. सो नीचे दिस विल बिकम एक्स क्यूब. नाउ ये ए एक्स स्क्वायर ऊपर है. नाउ सबसे पहला वाला इक्वेशन जो है हमारा, यू कैन सी दिस एक्स स्क्वायर इज ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी. ये वाले एक्स स्क्वायर के जगह में ये वाला वैल्यू हम पुट कर देंगे. देखिए क्या होता है. सो इफ यू पुट दिट वैल्यू यू गेट ए. एक्स स्क्वायर के जगह में हम पुट करेंगे ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी होल माइनस, ये हो गया, हम माइनस पर ब्रैकेट खोल देंगे इसके साथ. सो दैट बिकम्स ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टी होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब. नाउ ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल फाइनली गेट ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू ए बी टी प्लस ए सी. नाउ ये देखिए ये हो गया माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टी होल अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ थ्री. ए स्क्वायर टी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर कट गया, टू ए बी टी कट गया. सो फाइनली हमको ये जो है एक्सेलरेशन है, आई एम गेटिंग डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर देखिए क्या मिल रहा है, ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब. आई एम गेटिंग ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब. ये तो कॉन्स्टेंट है सो ये एक्सेलरेशन है. सो आई कैन से एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस थ्री. क्यूब नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री. फ्रॉम हियर आई कैन से बिकॉज हमको बोला है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस एन. कंपेयरिंग दिस टू आई कैन से एन इज इक्वल टू थ्री. थैंक यू सो मच. नाउ लेट्स गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. इस चाहिए तो इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए. थैंक यू. नाउ लेट्स गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स. फाइंड द वेलोसिटी वेन द एक्सेलरेशन इज जीरो. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ईजिली सॉल्व कर देंगे. बट बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग एक बात बताते हैं, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं इसका मतलब ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है. सो ऐसे वीडियो रेगुलरली अपडेट होंगे इस चैनल में, इसीलिए इस वीडियो से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द सॉल्यूशन. नाउ लेट्स स्टार्ट. हमको दिया है पोजीशन का इक्वेशन, हमको निकालना है वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो. तो सर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे. सो वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा ए प्लस टू बी टी माइनस थ्री सी टी स्क्वायर. दिस इज वेलोसिटी. इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा हमको एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर. सो ए ये जीरो हो जाएगा, यू विल गेट टू बी माइनस सिक्स सी टी. ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन जीरो है मतलब ये वाला पार्ट को जीरो करेंगे. नाउ टू बी माइनस सिक्स सी टी इज इक्वल टू जीरो. देयरफॉर टू बी इज इक्वल टू सिक्स सी टी. ये टू से आई कैन स्ट्राइक आउट, आई गेट थ्री. सो टी इज इक्वल टू बी बाई थ्री सी. सो दिस इज टी. अभी हम क्या करेंगे, ये वाला टाइम एक्सेलरेशन के इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉरी वेलोसिटी के इक्वेशन में पुट करेंगे एंड वेलोसिटी निकालेंगे. क्वेश्चन पूछा फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो. सो नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी. अभी ये टी के जगह में हम पुट करेंगे बी बाई थ्री सी माइनस थ्री सी. यहाँ पे हम पुट करेंगे बी बाई थ्री सी
का स्क्वायर। ना अगर फर्दर सॉल्व करेंगे v इज इक्वल टू ए प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस 3c, ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर बाई 9c स्क्वायर। 3 से स्टैक कोट कर लेंगे, c एक है, c नीचे तो कट गया। सो फाइनली आई एम गेटिंग वेलोसिटी a, दिस इज 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस दिस इज b स्क्वायर बाई 3c। सो फाइनली 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस b स्क्वायर बाई 3c हो जाता है b स्क्वायर बाई 3c। सो द वेलोसिटी बिकम्स a प्लस b स्क्वायर बाई 3c। थैंक यू। नाउ लेट्स गो टू द सेवेंथ क्वेश्चन। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन सेज एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इन मीटर्स इज डैश। अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ 40 किलोमीटर आवर पे जा रहा था, 40 मीटर गया और रुक गया, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। ये वी जीरो है, सो आई कैन से जीरो स्क्वायर दैट इज जीरो जीरो स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस हमारा 40 है, वी स्क्वायर माइनस यू टू ए एस। सिमिलरली अगर वही गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है तो कितना दूर जाएगा जब वो रुक जाएगा। सो इसका भी वही इक्वेशन बनेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस। सो दिस इज जीरो स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a इंटू एस, हमको ये s मांगा है। नाउ ये किलोमीटर पर आवर पे दिया है या मीटर में दिया है, ये भी किलोमीटर पर आवर पे है तो s जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। सो कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, ये तो इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे ये दोनों को, तो क्या होगा दिस इज 40 का स्क्वायर बाई 80 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a इंटू 40 बाई 2a इंटू s। 2a 2a कटा, 40 एंड 80 कट के 1 बाई 2 का स्क्वायर हो गया, 1 बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 1 बाई 4, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू s। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन विल गेट s इज इक्वल टू 160 मीटर। कहने का मतलब है अगर 80 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, ब्रेक लगाएंगे तो 160 मीटर के बाद वो रुकेगा। नाउ लेट्स गो टू द एट क्वेश्चन। नाउ द एट क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डी एक्सेलरेटेड एट ए रेट गिवन बाई dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2.5 स्क्वायर रूट ऑफ v, वेर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, द टाइम टेकन बाई द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी डैश। सो कितने टाइम में बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, 6.25 में जा रहा है। सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए हाउ टू सॉल्व दिस। नाउ द इक्वेशन हियर इज dv बाई dt इज माइनस 2.5 रूट ओवर ऑफ v। फ्रॉम हियर आई कैन से dv बाई रूट v इज इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू dt। नाउ इफ यू इंटीग्रेट बोथ साइड्स तो ये इसका लिमिट लगेगा 6.25 से फाइनल वेलोसिटी जीरो, रेस्ट में लाना है। सो ये है स्क्वायर 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ v, इसका मतलब v टू पावर माइनस हाफ। सो अगर ये इंटीग्रेट होगा सो होगा v टू द पावर ऑफ माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, लिमिट लगेगा 6.25 से 0, दैट इज इक्वल टू माइनस 2.5 इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t। सो हमको ये t चाहिए, t माइनस 0, सो दिस इज t। सो इफ यू पुट दिस वैल्यू, ये माइनस हाफ प्लस 1, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ v, ये हाफ उस तरफ चला जाएगा, सो दिस इज माइनस 2.5 बाई 2। इसका जो लिमिट लगेगा दिस इज 6.25 से 0, ठीक है। सो नाउ सो दिस इज माइनस 6.25, सो दिस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 6.25 का स्क्वायर रूट होल अपॉन माइनस 2.5 बाई 2 होल इंटू टी, ठीक है। सो दिस बिकम्स, इसको सॉल्व करेंगे, 6.25 का स्क्वायर रूट इज माइनस 2.5 दैट इज इक्वल टू माइनस 2.5 बाई 2 इंटू टी। माइनस 2.5 माइनस 2.2 कट गया, 2 उस तरह जाएगा, सो 2 इज इक्वल टू टी, या फिर टी इज इक्वल टू आई एम गेटिंग 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। थैंक यू। नाउ लेट्स गो टू द नाइन्थ क्वेश्चन। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन सेज द
ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड्स विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. इन 10 सेकेंड्स द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ. द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम इज हाउ मच. वेलोसिटी दिया है, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा. देखिए सिंपल क्वेश्चन है. सो सबसे पहले क्वेश्चन बोला है द पार्टिकल इज गोइंग 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट. तो इस तरह माने 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, 10 सेकेंड में उसका वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ. तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. सो फ्रॉम हियर आई कैन से डेल वी इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 5 स्क्वायर. सो दिस इज 5 रूट 2. ठीक है. सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी. हमको एक्सेलरेशन पूछा है, ये जो चेंज हुआ है ये टाइम 10 सेकेंड्स में हुआ है. सो एक्सेलरेशन इज डेल वी बाई टी. सो दिस इज 5 रूट 2 बाई 10. सो दैट बिकम्स रूट 2 बाई 2. सो दैट इज 1 बाई रूट 2. सो दिस इज 1 बाय रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द चेंज इन डिरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट. थैंक यू. नाउ लेट्स गो टू द 10th क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन 10 सेज द रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स देन द एक्सेलरेशन इज हाउ मच. इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकालेंगे एंड वही एक्सेलरेशन है हमारा. लेट्स सी हाउ टू डू. ठीक है, हमको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे इक्वेशन इज टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. नाउ इफ यू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 2 ए एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी. नाउ डी एक्स बाई डी टी हमारा वेलोसिटी है. सो इफ यू टेक डी एक्स बाई डी टी कॉमन डी एक्स बाई डी टी यू विल गेट 2 ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1. इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी को हम वेलोसिटी मान लेते हैं. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 बाई 2 ए एक्स प्लस बी और आई कैन से 2 ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर ऑफ माइनस 1. ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी है. ना फिर से वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सो माइनस 1 बाई 2 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर होल इंटू 2 ए इंटू डी एक्स बाई डी टी. डी एक्स बाई डी टी फिर से भी है ना. सो डी एक्स बाई डी टी के जगह में 1 बाई 2 ए प्लस 2 ए एक्स प्लस बी पुट करेंगे सो एक्सेलरेशन आएगा हमको माइनस 2 ए बाई 2 ए एक्स प्लस बी. ये होल स्क्वायर था, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी के जगह में 1 बाई 2 ए एक्स प्लस बी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा होल क्यूब. नाउ 1 बाई 2 ए एक्स प्लस बी इज वेलोसिटी सो दिस विल बिकम माइनस 2 ए इंटू वी क्यूब. सो फाइनली आई एम गेटिंग एक्सेलरेशन इज माइनस 2 ए इंटू वी क्यूब. यही हमारा आंसर है. ठीक है, नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 11 एंड 12 हम देख लेते हैं. ये जो क्वेश्चन है 11 एंड 12 का ये सेम एज रेफरेंस टू क्वेश्चन नंबर 7 है. ठीक है, जस्ट आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ए कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर. इफ़ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर सेम एज, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग विद 140 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर. क्वेश्चन नंबर 7 का रेफरेंस से ये क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये क्वेश्चन नंबर 12 दोनों सॉल्व होगा. ठीक है, नाउ ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है 11 है इसका आंसर इज 24 एंड क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर इज 1/16. इफ यू गेट दिस आंसर दिस इज करेक्ट. फिर भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कमेंट कर सकते हो. हाँ, और सब्सक्राइब करो, शेयर करो. थैंक यू सो मच.